हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घर का शुद्ध खाना। आज मैं आपको दही बड़े की रेसिपी बताऊंगी जो घर पे बहुत इजीली बन जाएगी। तो चलिए गाइस बनाना शुरू करें। फ्रेंड्स, हमने एक कप बेसन लिया है जिसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है, और हमने थोड़ा सा नमक लेना है टेस्ट के अनुसार। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे इसमें। इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। गाइस, हमारा बैटर ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा थिन हो, ऐसा बैटर रखना है हमें। गाइस, मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गाइस, अब हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फ्राई हो रही है। अभी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। गाइस, बाकियों को भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। देख सकते हैं कि ये फ्राई हो चुके हैं और ये देखने में कितने सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब हम इसको सर्व करेंगे। इस गार्निश के लिए मैंने यहाँ पे सेम लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमने चटनी ली है, ये ग्रीन चटनी ली है, और ये हमने थोड़ा सा दही लिया है जिसमें मैंने चीनी और नमक मिक्स किया हुआ है पहले से, और ये क्यूमिन पाउडर है, और ये बीट रूट है, और ये चाट मसाला। गाइस, मैंने ये चटनी घर पे तैयार की है पुदीने और धनिया की, और ये मैंने इमली की चटनी तैयार की है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। हमने इसको प्लेट पे रख लिया है, अब इसको अच्छे से कवर कर देंगे दही के साथ। थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे। फिर थोड़ा सा दही डालेंगे इसके ऊपर। गाइस, इसकी एक बार दोबारा लेयरिंग कर देंगे चटनी के साथ, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, क्यूमिन पाउडर, और साथ में हम थोड़े से सेम डालेंगे, और ये थोड़ा सा बीट रूट, थोड़ा सा हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। गाइस, हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं बहुत ही कम समय में, जो आपको मैं दिखा सकती हूँ ये खाने में कितने सॉफ्ट हैं, देख सकते हैं आप। बाकी इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, और ये बहुत ही क्विकली आसानी से घर में बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें।